बढ़िया से बोलिए ना, मत बुलाइए, आगे बोलिए सर। जी नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। इस वक्त मौजूद है पीजीटी बीपीएससी पीजीटी एग्जाम सेंटर पर और अभ्यर्थी यहाँ आए हुए हैं, तो बात करेंगे। सर कैसा पेपर गया? हम पेपर नहीं दिए हैं। कैसा गया? बहुत खराब गया है। एनसीईआरटी से भी नहीं पूछा है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। कट ऑफ 50 से भी ज्यादा नहीं जाएगा किसी का। अच्छा, बहुत कम। इस सरकार का मंशा खराब है क्या? पता नहीं, पिछले बार तो 98% रिजल्ट दे दिया था, बिना पढ़े लिखे को दे दिया। इस बार पता नहीं क्या कर रहा है, लग रहा है हम लोग को परेशान कर रहा है। बाकी वैकेंसी ऐसे ही है, अब पता नहीं उतना ही मिलेगा। सिर्फ इसके पहले स्टेट ने पास करा दिया 80%, 90%, 65%, लेकिन रिजल्ट में इसमें तो नहीं पास होगा। बिहार से क्वेश्चन देखने को मिला? बिहार से तो मिला है। मिला है, क्या को क्वेश्चन देखने को मिला है? लगभग अराउंड तो ठीक था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सिलेबस से बहुत अलग। करेंट अफेयर? करेंट अफेयर था। हाँ, क्या को देखने को मिला? 7-8 था। सर कैसा रहा पेपर? पेपर सिलेबस से एकदम आउट ऑफ है, और बीपीएससी लेवल के लेवल के मतलब नहीं, वो यूपीएससी और आईएएस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए शिक्षक बना रहे हैं यूपीएससी आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। आईएएस लेवल के। अच्छा, तो ये क्या सरकार का मंशा ठीक है या नहीं? नहीं, सरकार का मंशा ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, सरकार मतलब ये फिजूल का ये एग्ज़ाम ऐसे ले रहे हैं कि क्या कहिएगा? एग्ज़ाम ले रहा है, लेकिन मतलब उस हिसाब से जारी करना चाहिए। मतलब क्या सिलेबस दे रहे हैं ना, नहीं संत मतलब मेडिवल हिस्ट्री से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं था, उसके बाद में मतलब बस एक ही टॉपिक उठा कर रख दिया है बस। उसके बाद अतुल प्रसाद एग्ज़ाम को ले रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए मतलब एग्ज़ाम बढ़िया ले रहे हैं, इसमें मतलब कोई दो अथी नहीं है, लेकिन बस सिलेबस मतलब जो जारी कर रहे हैं उस हिसाब से मतलब क्वेश्चन नहीं नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। सरकार का मंशा ठीक नहीं, नहीं है ना? नहीं ठीक है। 1857 का क्रांति है, उसमें से मतलब क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा सिलेबस में। तो आपने देख लिया फिलहाल, इतना ही, और अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।